बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका हम पहला जो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, यानी इस मेजरमेंट की क्या आपने बनानी है ट्रायंगल। उसके बाद ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। आपने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने और साथ में उनकी कंकरेंसी, क्या वो एक ही पॉइंट में से गुजर रहे हैं या नहीं। अगर सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट में से गुजर रहे हों तो हम उन्हें बोलेंगे कंकरेंट और वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ओके, तो हम वो निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में चूंकि कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ तो किसी भी साइड को हम बेस बना सकते हैं, ठीक है। तो ए बी 4.2, ए बी हो गया 4.2 सेंटीमीटर का। इसके बाद बी सी ए 6 और सी ए है 5.2। अब बी सी 6 सेंटीमीटर, यहां 6 पे नोप रख के इसे यहां तक खोल लें। अब मेरे पास स्केल दूसरा छोटा मिस हो गया है तो मैं इस चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जीरो इसकी बिल्कुल एज पे है, ठीक है, 6 हो गया ये। अब ये पॉइंट है बी सी, इट मीन्स हमें बी पे सेंटर रख के आपने ये आर्क लेनी है, ठीक है, बी सी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद सी ए है 5.2, अब इसे 5.2 ओपन करेंगे, ये कट हो गया। पहले वाली आर्क लंबी लगाने का ये फायदा होता है कि भी कहीं ना कहीं आपको दोबारा नहीं लगाने, कट हो ही जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया सी, सी को मिला दें बी और ए से, क्योंकि मैं मार्कर यूज कर रहा हूं, हल्का सा ये मेजरमेंट में डिफरेंस आ सकता है क्योंकि मोटी टिप होती है, लेकिन आप चूंकि यूज करेंगी कार्बन पेंसिल वहां पे इन्हीं फर्क आएगा, यहां थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा, ये 4.2 थी, ये 6 सेंटीमीटर थी और ये थी 5.2 सेंटीमीटर की आर्क। अब आपने इनके बनाने हैं एंगल्स बाई उनके बाइसेक्टर्स, तो उसके लिए ना आप पहले आर्क्स लगाएंगे, ठीक है, यहाँ नोक रख के। ये मैंने आर्क एक इधर लगा दी, ठीक है, उसके बाद उसी लगी आर्क को बाइसेक्ट कर दिया मैंने, ये एक क्रॉसिंग आर्क हो गई। इसके बाद दूसरी लगाते हैं, यानी ये देखें, ये आर्क जो मैंने लगाई है ये मेरी कंपस उसके हाफ से ज्यादा खुली तब जाके ये कट करेंगी, अगर ये हाफ से कम होती तो फिर ये इस तरफ से इसकी कटिंग इंटरसेक्शन जिसे कहते हैं वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, ये दूसरी होगी। अब हम तीसरी की तरफ आते हैं, ओके अच्छा, अब इनमें हमने इस बी वर्टेक्स से, बी वर्टेक्स से उसके सामने वाली जो क्रॉसिंग आर्क्स हैं उनके अंदर से ये रे गुजारनी है, एक रे ये गई, ठीक है, दूसरी इधर से, ये गई दूसरी, तीसरी सी वर्टेक्स से। ये देखें जरा कि जहां पे उसकी कट आ रहा है उसके अंदर से बिल्कुल ये
गुजरनी चाहिए, ये देखें। ओके, तो ये जहां भी तीनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसे पॉइंट ओ समझ लें, आई समझ लें, जो मर्जी इसको हम यहां पे लिख सकते हैं। मैं इसको आई नाम दे रहा हूं, क्यों? आई जो पॉइंट है ना इज द इन सेंटर, इसे हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर, क्योंकि इन सेंटर वो पॉइंट है जहां पे ये जो रेज मैंने बना दी हैं, यानी देखें जरा, ये जो बी एक्स ए वाई सी जी, ये सारी रेज हैं। ये रेज क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स। क्यों भला, कि ये जो एंगल सी है इसके दो बराबर हिस्से कर रही है, एक जो मैं यहां पे शेड दे रहा हूं ना ये वाला हिस्सा, इसको आप प्रोटेक्टर से मेजर कर लें, और जो बाकी अनशेडेड रह जाएगा ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। क्योंकि बाई का मतलब होता है दो, सेक्ट मतलब काटना, दो बराबर हिस्सों में काटना। अरे विच इंटरसेक्ट एन एंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स विल बी नेम्ड एज एंगल बाइसेक्टर, यानी ऐसी रे जो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे उसे नाम क्या देंगे, एंगल बाइसेक्टर का। तो इसमें ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है। ओके, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जहां पे एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसका ताल्लुक एक चीज से है। फर्ज करो आपके पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये सारी लाइंस हैं जो एक ही पॉइंट में से पास कर रही हैं। तो जो जितनी भी इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर एक ही पॉइंट में से पास कर रही हैं तो उन्हें बोलते हैं कंकरेंट लाइंस। क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन, और जिस पॉइंट पे वो कट कर रही होती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ओके, सो द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फ्रॉम विच द थ्री bisectors of the angles pass will be named as the in center. उसे हम नाम क्या देंगे, in center का। ओके, अच्छा, तो आज ये जस्ट हमने 17.2 का एक सवाल किया है, कल इंशाल्लाह हम अगले दो सवालों पे जाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।